में आ गई, बी फॉर बॉय, बॉय बॉय बॉय, ये एल फॉर लड़की, बी फॉर बॉय। बॉय कितना है जी? 10% है जी। 10% का मतलब 1/10। पहले लड़के दिन में, पहले पहले शादी से पहले लड़के दिन में 10 सिगरेट पीते थे। कितने सिगरेट पीते थे? 10 सिगरेट पीते थे जी। लो जी लो, बी फॉर बॉय। शादी से पहले दिन में 10 सिगरेट पीते थे, ठीक है। लेकिन अब जब शादी हो गई तो 1 सिगरेट बीवी ने कहा, कम पी ले नहीं तो लगाऊंगा तो रैपट पीछे, सही हो जाएगा। तो इसने बच्चे ने 1 सिगरेट कम पीना शुरू किया, तो 9 सिगरेट पिया। फिर से समझो, देखो पहला मेथड तो ये रहा जी, ठीक है। दूसरा मेथड ये रहा, तीसरा मेथड मेरा अपना फंडा आएगा। तो एल फोर लड़की, लड़की क्या है? 20% इंक्रीज हो रही है, यानी पहले 5 लिपस्टिक लगाती थी, अब 1 लिपस्टिक और इंक्रीज हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। 10 पर छुपो ना यार, पढ़ाने दो ना मुझे, तुम ये चक्कर मत रहा करो, ठीक है ना, भगा दूंगा। बी फोर बॉय 10% ये हो गया, ठीक है। एल इंटू बी एरिया होता है जी, तो 5 × 10 = 50 होगा, 6 × 9 = 54 आएगा। ए 50 से 54 कितना हुआ? 4 इंक्रीज हो रहा है, राइट। पहले 50 रुपये खर्च होता था लड़कों के, राइट। अब लड़के के खर्च कितने हो गए हैं? कितने घर है? पहले परिवार का खर्चा 50,000 रुपये था, अब परिवार का खर्चा 54,000 रुपये हो गया, 4,000 रुपये बढ़ गया। किस पर? 50 पे। पहले 50 पे कितना परसेंट है? 52 जा, तो 4 2 जा 8% 8% आंसर। बोलो बात समझ में आई जी? UPSC ने क्वेश्चन पूछा है जी, ये मैं ही नहीं बता रहा, ठीक है। आ गई बात समझ में? बोलो हाँ या ना, यस या नो। आई होप मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गई होगी जी। आ गई बात समझ में सबको जी? बोलो बोलो बोलो। आई होप लग रहा है मुझे आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब तीसरा फंडा देखो जी, तीसरा फंडा देखो, तीसरा फंडा SSM फंडा है। थर्ड फंडा क्या है? थर्ड फंडा क्या है? SSM फंडा। SSM फंडा तो भाई, जब तुम CSAT फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो तो तुम्हारे पास ये सारे फंडे टिप्स पे होते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन हो, चाहे एवरेज का हो, चाहे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का हो, ठीक है, चाहे रीजनिंग का किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, ठीक है, आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो भाई। 20% इंक्रीज हो रहा है, ये देखो 20% इंक्रीज हो रहा है, इसको 1.2 मानेंगे, इनटू 10% डिक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है तो 0.9 मानेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.0, 1.1 का मतलब सीधा 1111, सीधा 100%, यानी सीधा 0.8 है, इसका मतलब 8% इंक्रीज हो गया जी, सीधा आंसर। बात समझ में आ गई? बोलो जी, बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर विथ योर टीचिंग इंटरेस्ट कम्स फॉर सॉल्विंग मोर प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।